तुर्की तख्तापलट मामले में राष्ट्रपति अर्डोगान की सरकार ने करीब 10,000 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, तो वहीं 15 से भी ज्यादा मीडिया केंद्रों पर ताला लगाने का निर्देश दिया है। जांच में बर्खास्त अधिकारियों और मीडिया संस्थानों को धर्मगुरु फतुल्ला गुलेन के समर्थन का दोषी पाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से जिन लोगों को उनके पदों से हटाया गया है उनमें प्रोफेसर, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, कारागार गार्ड्स तथा फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं। तुर्की सरकार पहले भी 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारियों को या तो निलंबित या बर्खास्त कर चुकी है। फिलहाल नाकाम तख्तापलट मामले में 37,000 से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं। बहरहाल राष्ट्रपति अर्डोगान की माने तो फतह गुलेन से किसी भी तरह से संबंध रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की की संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ अभियान चलाना बेहद ही जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है वो अपने आप में तख्तापलट से कम नहीं है। इसके साथ ही विपक्ष ने कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई पर देश के कामकाज को लेकर चिंता व्यक्त की है। तुर्की तख्तापलट की कोशिशों में अमेरिका में रहने वाले इस्लामी धर्म गुरु फतुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी वजह से तुर्की सरकार अमेरिका से गुलेन को सौंपने की मांग कर रही है। लेकिन गुलेन हैं जो शुरुआत से ही तख्तापलट में अपनी किसी भूमिका से हमेशा इनकार करते आए हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।